अनएम्प्लयमेंट ओके स्टूडेंट्स आज हम अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए सबसे पहले कुछ लेबर मार्केट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे पहला कॉन्सेप्ट है वर्किंग एज पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लेबर फोर्स सर्वे एनी पर्सन एनी इंडिविजुअल एट टेन ईयरस एंड अबव इस कंसिडर्ड इन दिस वर्किंग एज पॉपुलेशन वर्किंग एज पॉपुलेशन में तीन तरह के लोग हमारे पास होंगे नंबर वन इम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड एंड और ये दोनों इम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड मिलकर हमारी लेबर फोर्स बनती है सो वर्किंग एज पॉपुलेशन को अगर हम समझना चाहें तो इसमें दो पार्ट हैं लेबर फोर्स एंड द इंडिविजुअल्स हु आर नॉट इन लेबर फोर्स एंड लेबर फोर्स इज़ फर्दर कैन बी क्लासीफाइड बिटवीन एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड की डेफिनेशन जो लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक है पीपल ऑफ वर्किंग एज ग्रुप हु ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड दैट इज नॉर्मली लास्ट वीक यानि जब वो सर्वे करते हैं तो उस 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 रेफरेंस से जो लास्ट वीक है Worked for at least one hour to produce goods, or provide services for pay or profit. Okay, or help in a family business or family farm. So this is the definition of employed person according to the Pakistan Labour Force Survey. Anyone who has worked for at least one hour. Okay, in the reference. वीक यानी जिसमें वो सर्वे करते हैं उससे पिछले वीक में जिस शख्स ने एक घंटा काम किया है और वो काम उसने किसी भी अपने मुआवजे के लिए किया है या अपने फैमिली में बिजनेस को किसी तरह से हेल्प किया तो ही आर शी विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयड पर्सन अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन के लिए तीन चीज़ों का होना सबसे पहले तो द पर्सन शुड बी इन द वर्किंग एज ग्रुप नंबर वन इफ अ पर्सन इज इन वर्किंग एज ग्रुप then number one this person must be completely without work abhi humne dekha ki work ko kaise define kiya tha ki reference week mein usne 1 ghanta kaam kiya so if a person is completely out of work number one currently available to work यानी वो काम करना चाहता है। he is actively he or she is actively looking for work but he or she is unable to find the work और वर्क भी किया जस्ट फॉर वन आवर इन द लास्ट वीक ओके उसने कोशिश की बस उससे काम नहीं मिला और थर्डली ये है कि वो एक्टिवली उसको काम के लिए अवेलेबल भी है और उसको एक्टिवली वो परसू भी कर रहा है so सो ये तीनों चीज़ें जब साइमल्टेनियसली मौजूद होंगी देन अ पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि द पर्सन ज इन द वर्किंग एज ग्रुप ओके ही आर शी इज अवेलेबल फॉर वर्क एंड द पर्सन इज एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क बट इज अनएबल टू फाइंड वर्क और कौन से वाला काम जस्ट फॉर वन आवर इन द लास्ट वीक दिस पर्सन विल भी कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड सो एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड मिलकर हमारी लेबर फोर्स बनती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक और टर्म हम यूज़ करेंगे और ये कैलकुलेट होती है कि लेबर फोर्स कितने लोग आपके लेबर फोर्स में हैं डिवाइडेड बाय द वर्किंग एज पॉपुलेशन अभी हम पाकिस्तान के डाटे की मदद से इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे और डिस्कस भी करेंगे सिमिलरली अनदर कॉन्सेप्ट इज द एम्प्लॉयमेंट रेशो दिस इज़ कैलकुलेटेड बाई डिडिंग द इम्प्लॉयडर्सन बाई द वर्किंग एज पॉपुलेशन ओके अकॉर्डिंग टू द लेबर फोर्स सर्वे ट्वेंटी ट्वेंटी एम्प्लायमेंट स्टेटस ऑफ पाकिस्तान अडल्ट पॉपुलेशन का कैटेगरीज के कॉलम में फर्स्ट कॉलम में अगर आप देखें इम्प्लायड वर्कर्स अनएम्प्लॉयड वर्कर्स लेबर फोर्स नॉट इन लेबर फोर्स वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड टोटल पॉपुलेशन ओके लेट स्टार्ट फ्राम दिस टोटल पॉपुलेशन इन दिस ईयर 2021 टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान की है 222.4 मिलियन ओके 22 करोड़ 24 लाख अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे और इसके नीचे ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज मैंने दी हैं जो ब्लू वालीज हैं ये मेल्स के लिए हैं और ग्रीन वाली जो है वो फीमेल्स के लिए 22.4 जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें वन मिलियन आर मेल्स

मेल एंड आर फीमेल अब इस वर्किंग एज पॉपुलेशन को फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि इसमें लेबर फोर्स में कौन से शामिल हैं लोग और लेबर फोर्स में कौन से नहीं शामिल हैं तो सेवनटी वन पॉइंट सेवन सिक्स जो है आउट ऑफ दिस वर्किंग एज पॉपुलेशन वन फिफ्टी नाइन में सेवनटी वन पॉइंट सेवन सिक्स आर इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स एंड रिमेनिंग एटी एट पॉइंट इन लेबर फोर्स लेबर फोर्स को हमने कैसे डिफाइन किया था लेबर फोर्स में वो लोग हैं जो काम के लिए अवेलेबल हैं काम करना चाहते हैं वर्किंग एज ग्रुप में ठीक है तो जो वर्किंग एज ग्रुप में हैं यानी टेन इयर्स एंड अबव हैं बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क पाकिस्तान के कल्चर में अगर हम देखेंगे तो फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द हाउस वाइफ्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग फॉर वर्क एंड दे आर नॉट विलिंग टू वर्क सिमिलरली स्टूडेंट्स आप आप लोग भी इसी कैटेगरी में नॉर्मली बीमार होंगे क्योंकि आप भी इसी एज ग्रुप में वर्किंग एज ग्रुप में हैं लेकिन चूँकि आप भी काम अगर सिर्फ स्टडी कर रहे हैं और काम नहीं करना चाहते तो आप भी इस नॉट इन लेबर फोर्स में शामिल हो जाएंगे तो इसकी भी अगर आप डी अगर आप गौर करें कि सेवेंटी वन में से फिफ्टी फोर मिलियन आपके पास जो लेबर फोर्स में ये मेल्स हैं और फीमेल्स की रेशियो आप देखेंगे फीमेल्स की जो नंबर है इट इज क्वाइट स्मॉल 16.84 ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप ये सारी चीजें आप इसको समझ सकते हैं अब इस लेबर फोर्स में मैंने बताया दो तरह कैटेगरीज हैं एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड 71 में से 67.25 आर एम्प्लॉयड एंड रिमेनिंग फोर आर अनएम्प्लॉयड तो इसकी डीकम्पोजिशन नीचे ब्रैकेट्स में आपको नजर आ रही है के 67 में से 51.9 जो मेल्स हैं और 15.34 आर फीमेल। ओके नेक्स्ट कॉलम में हमने कैलकुलेट किया शेयर ऑफ लेबर फोर्स लेबर फोर्स आपके पास कितनी थी 71.76 सो so इसमें से एम्प्लॉयड 67.25 जो है इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो लेबर फोर्स में से 93.71 आर एम्प्लॉयड यानी वो लोग जो एज टेन इयर्स एंड अबव हैं और वो काम करना चाहते हैं काम को तलाश कर रहे हैं जो भी मार्केट की वेज रेट है उस पर अवेलेबल हैं उस पर काम करना चाहते हैं उनको काम मिल गया है ठीक है और काम मिलने की डेफिनेशन ये है कि रेफरेंस वीक में उन्हें कम से कम एक घंटे का काम मिल गया है तो उनकी उनका शेयर बनता है नाइन्टी थ्री पॉइंट सेवन वन और इसकी डिकम्पोजिशन मेल फीमेल में आप नीचे देख सकते हैं ये वाली सो so, अनएम्प्लॉयड लोगों का जो शेयर है एटीज सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट ठीक है और उसमें मेल्स में फाइव पॉइंट फोर परसेंट आर अनएम्प्लॉयड एंड इन फीमेल कैटेगरी एट पॉइंट नाइन परसेंट आर अनएम्प्लॉयड और नीचे वाला नंबर ऑब्वियसली हंड्रेड ही होना चाहिए क्योंकि ये लेबर फोर्स में ही शेयर लेबर फोर्स का हंड्रेड परसेंट नेक्स्ट कॉलम है शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन सेकेंड में क्या था कि इन कैट एम्प्लॉड और अनएम्प्लॉयड और इन चीज़ों का शेयर हम कैलकुलेट कर रहे थे विद रेफरेंस टू द लेबर फोर्स और वर्किंग एज पॉपुलेशन में क्या शामिल है लेबर फोर्स प्लस वो लोग जो लेबर फोर्स में शामिल नहीं हैं बट दे आर इन दिस वर्किंग एज ग्रुप तो ये सारी चीज़ें ये ये मतलब फोर्टी टू पॉइंट जीरो सेवन कैसे कैलकुलेट होगा सिक्सटी सेवन पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाई वन फाइव नाइन पॉइंट एट थ्री एंड सिक्सटी फोर पॉइंट वन फाइव कैसे कैलकुलेट होगा कि 51.91 मिलियन जो लोग वर्कर्स हैं और वर्किंग एज ग्रुप में टोटल मेल्स कितने हैं 80.92 पॉइंट नाइन टू सो फिफ्टी वन पॉइंट नाइन वन डिवाइड बाई एटी पॉइंट नाइन टू दिस विल गिव यू दिस सिक्सटी फोर पॉइंट वन फाइव परसेंट एंड इसी तरह बाकी चीज़ें ये कैलकुलेट की हुई हैं अनएम्प्लॉयड लोगों का शेयर वर्किंग एज पॉपुलेशन में टू पॉइंट एट टू है लेबर फोर्स वर्किंग एज में फोटी फोर पॉइंट नाइन है यानी वर्किंग एज ग्रुप में जितने लोग हैं उनका तकरीबन 45 परसेंट जो है दे आर इन द लेबर फोर्स दे आर वो काम करना चाहते हैं काम को तलाश कर रहे हैं और जो लेबर फोर्स में नहीं है 44.9 के अलावा बाकी लोग 55.1 जो हैं वो वर्किंग एज ग्रुप में हैं बट दे आर नॉट इन द लेबर फोर्स वो काम नहीं करना चाहते तो ये और लास्ट कॉलम में हमने ये सारी चीज़ें विद रेफरेंस टू द टोटल पॉपुलेशन हमने कैलकुलेट की फॉर एग्ज़ाम्पल वेरी फर्स्ट जो एंट्री है थर्टी टू पॉइंट टू फोर इसमें क्या है कि जो हमारे पास एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं टोटल सिक्सटी सेवन पॉइंट टू फाइव उनको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये नंबर आएगा थर्टी टू पॉइंट टू फोर और ब्रैकेट्स में नीचे नंबर इसी तरह से मेल और फीमेल के कैलकुलेट किए हुए तो ये पाकिस्तान का डाटा है इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में अनएम्प्लॉमेंट और एम्प्लॉयमेंट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ये इसका स्टेटस क्या है थैंक यू वेरी